चीन में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, वहां कब कौन गायब हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। अब खबर है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की कैबिनेट के एक और मंत्री लापता हो गए हैं। विदेश मंत्री किंग गांग के बाद अब देश के रक्षा मंत्री ली शांगफू लापता बताए जा रहे हैं। जापान में अमेरिका के राजदूत रहम इमैनुअल ने सबसे पहले चीन के रक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि चीन के रक्षा मंत्री को बीते दो हफ्तों से सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। अमेरिकी राजदूत इमैनुअल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पहले विदेश मंत्री किन गैंग लापता हो गए, इसके बाद रॉकेट फोर्स कमांडर और अब रक्षा मंत्री ली शांगफू को दो हफ्तों से नहीं देखा गया। बेरोजगारी की इस दौड़ को कौन जीतने जा रहा है, चीन के युवा या फिर जिनपिंग की कैबिनेट? रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर 29 अगस्त 2023 को देखा गया था। उन्हें आखिरी बार तीसरे चीन अफ्रीका पीस एंड सिक्योरिटी फोरम को संबोधित करते हुए देखा गया था। चीन अफ्रीका फोरम से पहले रक्षा मंत्री को रूस में एक सुरक्षा सम्मेलन में देखा गया था। रूस के साथ बैठक के दौरान शांगफू ने अमेरिका पर निशाना भी साधा। रक्षा मंत्री के गायब होने की अटकलों के बीच चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने सेना में एकता और स्थिरता का आह्वान किया। बता दें कि ली शांगफू को मार्च 2023 में रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में स्टेट काउंसलर के पद पर भी रह चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जुलाई में चीन के विदेश मंत्री किन गैंग को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि उनकी बर्खास्तगी का कोई कारण नहीं बताया गया था। गैंग को राष्ट्रपति जिनपिंग का बेहद करीबी माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि चीन के विदेश मंत्री और स्टेट काउंसलर के पद तक उनकी तरक्की दोगुनी रफ्तार से हुई थी, लेकिन अब उतनी ही हैरानी उनके रहस्यमय तरीके से गायब होने की भी हो रही है। किंग गैंग को पद से हटाए जाने के बाद रॉकेट फोर्स के लीड जनरल ली युचाओ और जनरल लियो गुआंगबिन को राष्ट्रपति जिनपिंग ने पद से हटा दिया था। ये दोनों अधिकारी भी कई महीनों से लापता हैं। बता दें कि इन सभी को सीधे शी जिनपिंग ने पहले नियुक्त किया था। चीन के विदेश मंत्री को 25 जून को इंडोनेशिया में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेना था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए। उसके बाद से ही वो सार्वजनिक तौर पर नहीं देखे गए। चीन में वरिष्ठ अधिकारियों, मशहूर हस्तियों और कारोबारियों के गायब होने से जुड़ी खबरें समय समय पर सामने आती रहीं, लेकिन चीन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का गायब होना अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाता है। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।